फ्रेंड्स, अगर आपने विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम पर रजिस्ट्रेशन करके अपने सिस्टम पर विंडोज 11 को डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लिया है और आपने उसका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर लिया है, और आप अगर किसी भी कारण से ये चाहते हो कि आप वापस से विंडोज 11 से विंडोज 10 पर अपने सिस्टम को रोल बैक कर लूँ, तो इसके लिए आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिस्टम को विंडोज 11 से विंडोज 10 पर रोल बैक कर सकते हो। फ्रेंड्स, वैसे तो विंडोज 11 का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है, मुझे ये काफी पसंद आई है, ये काफी पहले से फास्ट है, स्मूथ है, लेकिन अगर आप फिर भी किसी भी कारण से विंडोज 11 से विंडोज 10 पर रोल बैक करना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप तरीके से ये बता देता हूँ। तो इसके लिए चलते हैं हम सबसे पहले अपने सिस्टम पर। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज गौर करने की है कि जब भी आप अपने सिस्टम पर कोई नई विंडो इंस्टॉल करते हैं, यानी विंडो के ऊपर दूसरी विंडो इंस्टॉल करते हैं या फिर अपने सिस्टम को रीसेट करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो सी ड्राइव में विंडोज ओल्ड करके एक फोल्डर आ जाता है, और ये जो फोल्डर होता है वो कम से कम आपके सिस्टम पर 10 दिन तक रहता है। यानी जब तक इस फोल्डर आपके सिस्टम पर रहेगा तब तक आप अपनी न्यू विंडो से पुरानी वाली विंडो पर बड़े आराम से रोल बैक कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर ये फोल्डर आपके सिस्टम पर नहीं होगा तो अगर आप रोल बैक करोगे तो वो आपका जो डाटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो विंडोज 11 से विंडोज 10 में रोल बैक करने के लिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके सिस्टम पर ये वाला फोल्डर विंडोज ओल्ड वाला जरूर हो। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हो कि 10 दिन के बाद भी आप कैसे अपने विंडोज 11 से विंडोज 10 पर या फिर किसी और भी विंडोज से दूसरी विंडोज के वर्जन पर कैसे रोल बैक कर सकते हो, तो इसके लिए मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा जो कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो मेरे सिस्टम पर विंडोज ओल्ड वाला जो फोल्डर है वो 1 जुलाई को बना हुआ है, ठीक है, यानी कि मैं अपने सिस्टम को विंडोज 11 से विंडोज 10 पर बड़े आसानी से रोल बैक कर सकता हूँ। तो रोल बैक करने के लिए मुझे जाना होगा अपने सर्च बार में और यहाँ पर टाइप करूंगा मैं सेटिंग्स, ठीक है, उसके बाद मैं अपने सिस्टम की सेटिंग्स पर यहाँ पर आ जाऊंगा और सेटिंग्स में थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिकवरी का, ठीक है, मैं इस ऑप्शन पर यहाँ क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आपको ये दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज, ठीक है, यानी कि हमें अपने प्रीवियस वर्जन पर जाना है, तो यहाँ पर गो बैक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये कुछ सेकंड्स की प्रोसेसिंग लेगा। अभी यहाँ पर ये रीजन पूछ रहा है कि आप विंडोज 11 से विंडोज रोल बैक क्यों करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर फॉर अनदर रीजन कर देता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये अपडेट्स भी पूछेगा, तो अपडेट्स अभी हमें कोई नहीं चाहिए, नो थैंक्स कर देंगे। उसके बाद ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, आफ्टर गोइंग बैक यू विल हैव टू रीइंस्टॉल सम एप्स एंड प्रोग्राम्स, यानी कि जब हम 11 से 10 पर रोल बैक कर लेंगे तो हमें जो हमारे इसमें जो प्रोग्राम्स जो हमने इंस्टॉल कर रखे होंगे वो हमें दोबारा से रीइंस्टॉल करने पड़ेंगे। यू विल लूज एनी चेंजेस मेड टू योर सेटिंग्स आफ्टर इंस्टॉलिंग द लेटेस्ट बिल्ड, यानी कि विंडोज 11 इंस्टॉल करने के बाद जो भी हमने सेटिंग्स में बदलाव किया होगा वो सब हमारी सेटिंग्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमें अपनी फाइल्स ये बैकअप करने के लिए बोलेगा, लेकिन वैसे आपका अगर विंडोज ओल्ड वाला फोल्डर उसमें है आपके सिस्टम पर तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बोलेगा। नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से हम, ठीक है, तो ये बोलेगा कि हमें प्रीवियस वर्जन जो भी इस पर रोल विंडोज रहा होगा उसका हमें पासवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट कर देंगे हम और यहाँ पर थैंक्स फॉर ट्राइंग आउट दिस बिल्ड बोलेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर गो बैक टू अर्ली बिल्ड बोल दूंगा, वैसे ये जो मेरा सिस्टम है वो विंडोज 11 से विंडोज 10 पर रोल बैक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने से पहले मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं गो बैक टू अर्ली बिल्ड पर क्लिक करूंगा, अब आप देख सकते हो ये रिस्टार्ट होने लगेगा, तो यहाँ पर ये सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये रिस्टोरिंग योर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज, यानी कि जो हमारा पहले का जो वर्जन है यानी कि विंडोज 10 जो वर्जन है उसको ये यहाँ पर रिस्टोर करना स्टार्ट कर चुका है। तो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो सिस्टम है वो विंडोज 11 से विंडोज 10 पर रोल बैक कर चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ ये डेस्कटॉप पर ये शॉर्टकट्स हैं, जैसे गूगल क्रोम है, यानी कि गूगल क्रोम पहले हमारे विंडोज इंस्टॉल था लेकिन अब इंस्टॉल नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पर उसका शॉर्टकट थोड़ा सा ये नाम लिखा हुआ आइकन दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है जो पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे वो सारे अनइंस्टॉल हो चुके हैं और देख लेते हैं हमारा डाटा लॉस हुआ है या नहीं। तो इससे पहले मैंने अपना OBS में जो रिकॉर्डिंग की थी उसे देख लेते हैं है या नहीं। ठीक है, तो वो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरी जो OBS की ये रिकॉर्डिंग थी वो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर है, यानी हमारा जो विंडोज 11 से विंडोज 10 पर जो हमने रोल बैक किया उसमें हमारा कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप विंडोज 11 से कैसे बड़ी आसानी से विंडोज 10 पर रोल बैक कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस आगे लेके आता रहूंगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में।